नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। बिजली विभाग की लापरवाही से हुआ हादसा, युवक 11,000 वोल्टेज की चपेट में। भिवानी के गांव रामनीला का है युवक धर्मवीर। हांसी गेट पर सुबह से बिजली रिपेयरिंग का काम चल रहा था। कई मिनट तक बिजली की तारों पर झूलता रहा युवक। इस लापरवाही के मामले में विभाग के अधिकारी भी है अनजान। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। जी हाँ, भिवानी के हांसी चौक से नया बाजार को जाने वाले मार्ग पर लाठर दांतों के अस्पताल के निकट एक युवक 11,000 वोल्टेज की बिजली की तारों की चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों ने उसे गंभीर स्थिति में चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल पहुंचाया। घायल का नाम धर्मवीर बताया जा रहा है और वह रानीला गांव का निवासी बताया गया है। हुआ कुछ ऐसे कि बुधवार को ट्रांसफार्मर लगाने के लिए नया बाजार व हांसी चौक पर बिजली बंद की गई थी। इस दौरान स्थान पर क्रेन से 3 मंजिल पर स्थित टावर के लिए पावर जनरेटर चलाते वक्त बिजली की तारें अड़चन बनी हुई थी, तो युवक तारों को हटाने के लिए पोल पर चढ़ गया। जैसे ही उसने बिजली की तारों को काटने का प्रयास किया, एकदम चिंगारी उठी और वह करंट की चपेट में आ गया। उसका मानना है कि युवक 11,000 वोल्टेज की चपेट में आया है, लेकिन इस मामले में जब बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो वे इस मामले से अनजान नजर आए। इस मामले में जब आपातकालीन विभाग के तैनात चिकित्सक विश्वास से बात की गई तो उन्होंने बताया कि धर्मवीर की हालत स्थिर है, छाती जरूर झुलस गई है, इसलिए उसे PGI रोहतक भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में उन्होंने घायल धर्मवीर को प्राथमिक उपचार दिया है, लेकिन छाती में अंदरूनी स्थिति को गंभीरता से देखते हुए उन्होंने धर्मवीर को रेफर किया है। फिलहाल वे खतरे से बाहर हैं। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया है और बाकी इसको रोहतक रेफर, ICU केयर की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए रोहतक रेफर कर दिया है। ये भैया जो जगह तो चढ़ाव थे ऊपर, इसके चढ़ाने के लिए हमने सब पेपर लाया भी कही थी कि भाई इसको ऊपर से बिजली कटा दो। इन्हें कुछ तार पहले काटे, बाद में बिजली काटने के लिए इन्होंने बिजली वाले बुलाए। बिजली बोर्ड से 2 बंदे आए, एक तो सफारी सूट वाला था, नाम उसका मेरा ध्यान को नहीं, और एक वो ऊपर वो तहमत मार रहा था, वो था बल्कि वो खड़ा। अच्छा, जो फिलहाल भी खड़ा है। अरे हाँ, इन नए हो गए कि ये पहला तो 15 मिनट तक 10 मिनट तक इधर उधर घूमते रहे, पता नहीं क्या दिक्कत थी, बंद क्यों नहीं करा, ना करा के करा के रखे, सौदेबाजी कर रहे थे। उसके बाद वो कौन था, बिजली बोर्ड का था, किन का था, इनका था, ये दोनों जयर ये जो इनके जो बिजली बोर्ड के दोनों बंदे थे ये उड़े थे, इनका आगे वो चढ़ा है और उसने उससे तार का टच होकर के जो भी ऊपर आ गया के पटाखे के साथ, और वो भाई की ऊपर लौट गया, उसका एंगल वो ऊपर है। मामला ऐसा था जी, यहाँ पे हांसी गेट पे ट्रांसफार्मर वगैरह चेंज कर रहे थे, सुबह से लाइट नहीं थी हमारी सभी दुकानों पे, तो जैसे ही ये बिजली बोर्ड का कर्मचारी दूसरे पोल पे जाके देखने लगा तो इसने पहले वहाँ का कनेक्शन कट कर रखा था। अब प्रशासन की लापरवाही थी या क्या था, इसने जैसे ही वहाँ पे तार कनेक्ट करने चाहे तो यहाँ से लाइट चालू होगी, वो किसी की गलती से हुआ और ये हादसा एकदम से हो गया। यहाँ पे फिर आशीष जी थे जो प्रिकनेट पे है, इन्होंने उसको उठाया है और अब इसको लेके गए हैं, रेफर कर रखा है हिसार, अभी फिलहाल वो ठीक है। ये सारी प्रशासन की गलती थी जी, जब आप लाइट काट देते हो एकदम से शुरू होगी और जान जाते जाते बच्चे की नहीं बच्चे की कुछ कह नहीं सकते। क्या नाम आपका? अरे प्रशांत नाम है।